तमिलनाडुरे शेष होइछि नेशनल रैकिंग काइट सर्फिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता। एहि प्रतियोगिता रे पूरा भारत वर्षरु 26 जण प्रतियोगी भाग नैथिबा बेले सेमानक मध्यरु 4 ओडिया शामिल। गत 25 अगस्त रु 28 अगस्त पर्यंत तमिलनाडुर तुतिकोरिन ठारे अनुष्ठित होइथिला एहि प्रतियोगिता। 4 दिनिया नेशनल रैकिंग काइट सर्फिंग चैंपियनशिप रो विभिन्न वर्ग रे ओडिसा रु 4 जण अंश ग्रहण करथिले। कनिष्ठ वर्ग रे देशर सर्वकनिष्ठ काइट सर्फर 12 वर्षर बालक क्रिस रौप्य पदक हासिल करथिबा बेले बालिका विभाग रे लीना रौप्य ओ विशाखा ताम्र हासिल करिसेंती। तबे एही प्रतियोगिता रे भाग नेबा पई राज्य सरकार समस्त सहाय्य ओ सहयोग करथिबारु सरकार को कृतज्ञता जणाइछंती मेडल विजेता माने। आमर एटा 2024 रे फर्स्ट काइट बोर्डिंग रो रैंकिंग इवेंट हेतला तमिलनाडु टुटिकोरिन रे, सेथरे आमे ओडिसा रु 4 जण भाग नेइतलु। तापर आमर जो ये हला रेस हला, फर्स्ट रेस रे मु फर्स्ट माइली, किंतु सेकंड आउ थर्ड रेस रे जेंतु हमर इक्विपमेंट प्रॉब्लम रहला, सेतबे सेकंड पोजीशन रेस रु आनिछ। एक्सपीरियंस तो बहुत भलो थिला। हमर अगस्त 25 रो 28 जो काइट बोर्डिंग चैंपियनशिप रैंकिंग इवेंट थिला, ऑल इंडिया रैंकिंग इवेंट ता, हमें सेठी जाई की प्रतियोगिता रे हमें भाग नेथिलु। ओडिसा रु टोटल हमें 4 जण जाईथिलु एवं ऑल वुमेन कैटेगरी रे मो कंपटीशन टा खेली की सेकंड पोजीशन आइछ। हमर दुटा कैटेगरी रहितला, गोटा हला सीनियर कैटेगरी आ गोटे जूनियर अंडर 18 थिला। हमर 3 जण आउ आमर थिले 26 जण टोटल पार्टिसिपेट, जे माने कि ऑल ओवर इंडिया रु आसथिले। कंपटीशन तो बहुत टफ थिला, विंड भी बहुत गस्ती थिला। आमे टुटिकोरिन तमिलनाडु रे 2024 रो फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप थिला काइट सर्फिंग रो। आमे ओडिसा रु 4 जण जाइथिलु आउ आमर 2 मंथ ट्रेनिंग परे आमे नेशनल चैंपियनशिप खेलिकिना मु वुमेन्स कैटेगरी रे 3rd पोजीशन को आसीछि। आगु को तो लक्ष्य रही आमर ओलंपिक खेलिबु, आमको इक्विपमेंट दरकार प्रैक्टिस पई, आमको इक्विपमेंट दरकार, आम पाखरे ठीक इक्विपमेंट नाही। सरकार को निवेदन करबु जे आमको इक्विपमेंट हेल्प करले आमे निश्चिंत ओलंपिक रे गोल्ड नेके आसीबु ओडिसा पई। प्रतियोगी मानको याचिंग एसोसिएशन पक्षरु समस्तको संबोधित करा जाइछि। जातीय स्तरीय प्रतियोगिता रे भाग नै ओडिसा पई सुनाम अर्जन करथिबा खेलाळी माने बहुत खुशी रहिथिबा कहिछंती। अनिपटे ओडिसा एचिंग एसोसिएशन रो प्रतिष्ठाता सबीर बॉक्स मध्य प्रतियोगी मानक सफलता नै बेस गर्व अनुभव करिछंती। मात्र 2 मासर अभ्यास ही सफलता आनि दैछि। ए दिगरे सरकार को हस्तक्षेप परे ओडिसा रु आहुरी अनेक प्रतिभा सामना को आसि पारिबे बोली कहिछंती संघर मुख्य सबीर बॉक्स। ପିଲାମାନଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ କ୍ରିସ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ସେ ଗୋଲ୍ଡ ନେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତା'ପର ମ୍ୟାଚ୍ ଠାରୁ ତାଙ୍କର କାଇଟ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ରେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ରୁଲ୍ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେୟାର ଯିଏ ଥିଲା ସେ ତାର ରେସ୍ଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପଏଣ୍ଟ ବେଶୀ ତା ପାଖକୁ ବାହାରିଗଲା। ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେଉଁ ଜୁନିୟର କ୍ୟାଟାଗୋରି ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିଥିଲା ଯେ ସୌମ୍ୟଜିତ ରାୟ, ସିଏ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ କାଇଟ୍ ସର୍ଫର ଭାବେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ, ଯେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଯିଏ କାଇଟ୍ ସର୍ଫିଂ କରୁଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଇବାରୁ ଆମେ 3ଟା ରେସ୍ ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିପାରିଲୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଲଭର ହେଲା, ନହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଲ୍ଡ ଆଣିଥାନ୍ତୁ। କାଇଟ୍ ସର୍ଫିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଏହି କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତର ନାମକୁ ସୁନାମିତ କରିପାରିବେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।